देखिए सर, ये है हमारा आंख, यही वही आंख है जिससे हम सपने देखते हैं और जिससे हम अपने सपनों को साकार करने का कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों ने सपना क्या देखा है, नीट का, जेई का, और इस आंख से बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। हम भी पढ़ाते हैं फिजिक्स में। तो हम जानेंगे आज इस आंख के बारे में कि आई में स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो व्हाइट कलर का, देखिए आप ये है, ठीक है, सबसे पहला ये व्हाइट कलर का जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं स्क्लेरा, स्क्लेरा में कोई ठीक पता है। नहीं, ये वाला जो ब्लूइश कलर का जो पार्ट दिख रहा है ये होता रेटिना, है, इसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक कॉर्निया है। और ये सबसे जो बारीक पार्ट दिख रहा है, जो जो गोल वाला छोटा ट्रांसपेरेंट होता है, गोल वाला है। छोटा हाँ वाला है, इसको हम बोलते हैं आपका प्यूपिल। ओके, इसी प्यूपिल से लाइट एंट्री करता है और जो हमारे जो इमेज बनता है, देखिए आंख खुलेगा आप सबका, देखिए ये आंख खुल गया, ये सबसे अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है हाँ इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना, जिसमें लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसपे इमेज बनता है, रेटिना वो पार्ट है जहां पे इमेज बनता है, बनता है, पर्दा है, हाँ, एक तरह से पर्दा एक प्रकार, पर्दा है। ठीक है, जहां पे इमेज बनता है। रेटिना के अंदर बहुत सा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप जो कलर कलर किए हुए हैं, ये है हमारा ब्लड वेसल्स, यानी कि आर्टरी भी है जो भी है वो जिसे सप्लाई पहुंचता है। और इसके अलावा आई में इसके अंदर लिक्विड होता है, एक्वियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, जो कि हमारे आई के शेप को कंट्रोल करता है, हमारे आई के साइज कंट्रोल करता है, यही हमारा आई है। और इसे पीछे देख रहे हैं कि ये पीछे से नर्व निकला हुआ है, दिस इज ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व है जो जो इंफॉर्मेशन कि ब्रेन तक ब्रेन जाएगा। तक पहुंचाएगा कि अच्छा क्या आप देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। राइट, एक बात आप इसमें है खास, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ना उसके हिसाब से ना ये प्यूपिल अपना छोटा बड़ा होता एडजस्ट है, एडजस्ट करता करता है है। लाइट हाँ एंट्री को, और आपका कितना लाइट एंट्री होगा नहीं होगा, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि सूरज से अगर आते हैं हाँ अंधेरा में तो नहीं दिखता, फिर दिखने तो लगता ये है, सेल्फ एडजस्टिंग है। हाँ सेल्फ एडजस्टिंग होता अच्छा है। सर, इसमें लेंस कहाँ होता है? लेंस, सर लेंस इसमें पार्ट है, देखिए ये ऊपर का पार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब आपका ये दिख रहा उभरा होगा हुआ उभरा पार्ट, हुआ पार्ट, ये कन्वेक्स लेंस हाँ है। ये कन्वेक्स, अच्छा, ठीक तो है, बच्चों को इसकी जरूरत फिजिक्स में भी पड़ती है। हाँ बच्चों को जरूर, कन्वेक्स लेंस से इसे पुपिल से, पुपिल से ना हाँ लाइट गैदर करता है, कन्वेक्स लेंस के थ्रू कन्वर्ट करा के रेटिना पे इमेज बनाता है। तो ये हमारा आंख है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।